जगनेर रोड स्थित नगरा परमाल में ड्रैगन फ्रूट की खेती का प्लांट तैयार हो रहा है। नगरा परमाल के रहने वाले दिनेश शाहर ड्रैगन फ्रूट की फसल तैयार कर रहे हैं। धीरे धीरे फसल ग्रोथ कर रही है, कुछ समय बाद फसल पर फूल आना शुरू हो जाएगा। जगनेर रोड स्थित नगरा परमाल में ड्रैगन फ्रूट की खेती का प्लांट तैयार हो रहा है। नगरा परमाल के रहने वाले दिनेश चाहर ड्रैगन फ्रूट की फसल तैयार कर रहे हैं। धीरे धीरे फसल ग्रोथ कर रही है, कुछ समय बाद फसल पर फूल आना शुरू हो जाएगा। किसान दिनेश शाहर का कहना है कि फसल को तैयार करने के लिए 20 लाख रुपए का खर्च आया है। एक बार खर्च करने के बाद किसान 20 से 25 साल तक लगातार पैसा कमाने का साधन बना लेगा। एक ओर जहां किसान परंपरागत खेती पर ध्यान देते हैं, तो वहीं दिनेश शाहर ने टेक्निकल खेती के जरिए लाखों रुपए कमाने की तैयारी की। खर्चा तो ज्यादा है खैर, और साधारण खेती से तो काफी ज्यादा है, लेकिन अच्छी खेती है। अब कितने समय में फल इस पर आएंगे और क्या होगा? करीब लगभग 15 महीने में फल आना स्टार्ट हो जाएगा, 15 से 16 महीने में। कितनी जगह में आपने ये? 1.5 बीघा में है। आगरा में इससे पहले कहीं आपने देखा था क्या ड्रैगन फ्रूट? उत्तर प्रदेश में तो ये सबसे पहला फार्म है बड़ा जो है, और सिकुआबाद में एक छोटा सा है, तो वहाँ भी हम देख के आए थे, फिर तब हमने ये लगाया। और किसानों के लिए क्या कहना चाहिए जो अभी तक सीमित खेती है वही करते हैं कि रबी में गेहूं? और अब असल में जब खेती कम होती जा रही है, तो हम लोग सब लोगों को टेक्निकल खेती अपनानी पड़ेगी, तब जाके हमें लाभ मिलेगा। ड्रैगन फ्रूट का फल इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए बेहतर साधन है। ड्रैगन फ्रूट कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से लोगों को राहत देता है। किसान का कहना है कि सभी किसानों को टेक्निकल खेती पर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। आगरा में ड्रैगन फ्रूट की खेती का यह पहला प्लांट है, जहाँ कुछ ही समय बाद फसल भी तैयार हो जाएगी। ड्रैगन फ्रूट की खेती का प्लांट आगरा जगनेर रोड स्थित गांव नगला परमाल में है, जहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि अब ये कुछ ही समय में यहां पर फल तैयार होने जाएंगे, जिससे कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए ये फल यूज होता है। और ख़ासकर जब हमने किसान से बातचीत की, तो उन्होंने बताया किस तरीके से ये फसल जो है वो तैयार होती है और कितनी अर्निंग इससे किसान की होती है, इस पर भी हमने बातचीत की है। और ये पूरी तरीके से समझने का प्रयास किया है कि आखिर इस फसल से कितना लाभ किसान को हो रहा है और कितने समय तक के लिए ये फसल तैयार होती है।